स्वागत है दोस्तों। रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, मैनुअल मारेरो क्रूज एज अ फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर सिंस 1976। ठीक है, मैनुअल मारेरो बने हैं क्यूबा के प्रधानमंत्री, जो कि 1976 के बाद पहली बार नामित या फिर हुए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। करंट अफेयर का अच्छा टॉपिक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो साल 1959 में से साल 1976 के देश यानी कि क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे हैं। और जब देश में यानी कि 1976 में देश का नया संविधान लागू हुआ, तब उनका पद राष्ट्रपति के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रधानमंत्री का जो पद था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो 1976 तक, 1959 से 1976 तक वो प्रधानमंत्री थे, फिर वो राष्ट्रपति के पद पर आ गए क्योंकि राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति जो हैं मेगुएल डियाज कैनल ने अभी यानी हाल ही में 43 साल बाद देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। ठीक है, वह कौन है? मैनुअल मारेरो क्रूज। ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति मेगुएल डियाज कैनल के प्रस्ताव पर पर्यटन मंत्री हैं मैनुअल मारेरो क्रूज, उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के रूप में उन्हें पद दिया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद साल 1976 में तत्कालीन क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने खत्म कर दिया था। कम्युनिस्ट शासित द्वीप में साल 2019 में पारित नए संविधान के नियमों के तहत इसे बहाल किया गया पुनः। ठीक है, तो देश के नए संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का पद बनाया गया है, और राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को मेगुएल डियाज जो कि राष्ट्रपति हैं, और एक प्रधानमंत्री यानी जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं मैनुअल मारेरो क्रूज के बीच बांट दिए गए। ठीक है, नेशनल असेंबली में 21 दिसंबर 2019 को मारेरो को सर्वसम्मत से उससे राष्ट्रपति, उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति मैनुअल डियाज कैनल ने पुनः बहाल किया प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, और मैनुअल मारेरो क्रूज को पुनः सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का पद बहाल करने के बाद उन्हें 1976 के बाद यानी 43 साल बाद फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की कैपिटल क्या है? कैपिटल हवाना। ठीक है, और क्यूबा की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो क्यूबा पेसो। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंट्री की राजधानी, किसी भी देश की राजधानी और किसी भी देश का पैसा जो मुद्रा वहाँ पे चलती है, तो कैपिटल क्यूबा की हवाना और मुद्रा क्यूबा पेसो। ठीक है,